नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। बहस गरम में आपका स्वागत है। बहस चल पड़ी है भारत वर्सेस इंडिया। इंडिया जब बना तो उसको लेकर कई तरह के सवाल उठाए गए, लेकिन अब भारत के राष्ट्रपति ने इंडिया हटा दिया और लिख दिया प्रेसिडेंट ऑफ भारत। उसके बाद अमिताभ बच्चन, धोनी सभी ट्वीट कर रहे हैं, भारत माता की जय कर रहे हैं। तो क्या भारत बनाम इंडिया, इंडिया वो है जो एक गठबंधन तैयार हुआ जिसमें अलग अलग दल के लोग जुड़े हैं, और उसके आने के बाद से इंडिया भारत में फ़र्क होने लगा। अब बात भारत की चल पड़ी है इंडिया के साथ। तो इंडिया या भारत, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, आप पार्टी के और आम जन भी यहाँ है। तो चलिए शुरुआत करता हूँ, और सबसे पहला सवाल भारतीय जनता पार्टी से ही कर लेता हूँ मैं। क्या हुआ भारत इंडिया, इंडिया भारत हो गया? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो यह है कि इंडिया की अवधारणा अभी 100-200 साल पहले आई है, और हमारा जो वास्तविक नाम था, जो ऐतिहासिक रूप से एक सनातन राष्ट्र आज कई सदियों से चला आ रहा है, वह तो भारतवर्ष ही है। पुराणों में उसका उल्लेख है, जितने भी ग्रंथ हैं जो भारत की अवधारणा को स्थापित करते हैं, जो इस राष्ट्रीयता के सिद्धांत को सिद्ध करते हैं, वह तमाम चीज़ों में भारत का उल्लेख है। अब हमारा कोई विदेशी, हमारे पड़ोसी, अगर आप बताइए आपका कोई नाम आपके अभिभावक रखें, ऐतिहासिक रूप से आपका कोई नाम रहे, और उसके पश्चात क्या किया जाए कि आपके पड़ोसी आपके लिए किसी अपभ्रंश का उपयोग करें और वही आगे चल करके आपका नाम बन जाए, तो आप उस ऐतिहासिक भूल का सुधार तो करेंगे ही। भारत के साथ ही है, अब इंडिया नाम जो है वो अलायंस का रखा गया है, इंडिया रखा गया, तो उसका कोई फुल फॉर्म है, ठीक है। अब वो हमारे देश का नाम भी भारत है, इंडिया है, इसलिए उसका अलायंस का नाम भी इंडिया नहीं रखा गया। एक्चुअली अलायंस को जो नाम देना चाह रहे थे, जो उसके पीछे की सोच थी अलायंस बनाने के लिए, उसी का नाम इंडिया रख दिया गया, क्योंकि उसका फुल फॉर्म बहुत बड़ा था, इसलिए उसको शॉर्ट करके इंडिया रख दिया गया। तो अब उलझा दिया क्या बीजेपी ने, उलझा दिया क्या कांग्रेस को? बिल्कुल भी नहीं उलझाया है। ये कह रहे हैं कि भारत के टुकड़ों टुकड़ों में करा गया है, बल्कि इंडिया अलायंस बना के ये हमने बताया है कि पूरा भारत एक ही है, आप एक ही सत्ता दल नहीं चला सकते, बहुत हैं इधर पे। और आप डरने की बात कर रहे हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है, इंडिया ही इस बार जीतेगा और इंडिया ही आगे आएगा। तो इंडिया जीतेगा या भारत जीतेगा? देखिए, ये तो भारत की जनता का मन है जो भारत को जिताएगा, ऐसा तो है नहीं है कि अभी ये कह रहे हैं कि आप भारत। मैं पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी को 2014 में भारत का याद नहीं आया था, तब इंडिया से चला रहे थे। जिस प्रकार से वो कहते हैं कि मोदी जी के आने के बाद ही देश बना है, इसके पहले देश ही नहीं था, तो पहले क्या काय के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री थे, ये इंडिया के थे कि भारत के? पहले वो तो डिसाइड करें कि वो कहाँ के प्रधानमंत्री थे, इस देश के ही थे ना, तो भारत के ही है, तो उसमें ये कहने वाली बात नहीं है। सब चुनावी पुलाव पक रहा है, चुनाव को लेके, जो चुनाव हैं बड़े राज्यों में उनको लेके जनता को भ्रमित किया जा रहा है, और कुछ नहीं है ये। तो बदल दिया, अब तो राष्ट्रपति भी लिख रहे हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत, इंडिया हटा दिया, ये मुद्दा बनेगा? देखिए, एक कहावत है कि नाम बड़ा की काम, और जाहिर सी बात है कि नाम कभी बड़ा नहीं हुआ है। ये बौखलाहट है, हमारा जो इंडिया गठबंधन बना, 28 राजनीतिक पार्टियों का जो गठबंधन बना, उससे बौखलाहट साफ आप देख सकते हैं। आज़ादी के आज 75 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है, और इनको आज ये विचार आ रहा है कि ये इंडिया नहीं अब भारत लिखना चाहिए। तो इस आप देश की जनता और प्रदेश की जनता इस चीज़ को समझ रही है कि अब चुनावी समय आ गया है, और इनके जाने की बेला भी आ गई है। भारतीय जनता पार्टी को इस बार उनका संगठन आप देख ही सकते हैं कि 25% जो भी लेके आए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी विधायक, खरीद फरोख्त हुई, वो फिर चले गए कांग्रेस में वापस, तो इनका संगठन कभी था नहीं। तो अब आप किसके साथ है, भारत के साथ कि इंडिया के साथ? हम देश की जनता के साथ हैं, हम देश की जनता के लिए काम करते हैं, उनको सुविधाओं को, उनकी सुविधा देने का काम करते हैं। नाम नहीं बड़ा कभी होता है, काम बड़ा होता है, और ये पूरी बौखलाहट जो है इंडिया नाम से, उन्होंने काम नहीं किया, काम किए होते तो आज नाम बदलने की, नाम बदलने की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि आपके पास काम नहीं है। देखिए, जब हम भारत शब्द का उपयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर भारत की जो सभ्यता और संस्कृति है वो उसका परिचायक होता है। निश्चित तौर पर ये कहा जाता है कि जिस देश की सभ्यता और संस्कृति को यदि हम मिटा देते हैं तो वो देश भी नहीं बचता है। भारत हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता का परिचायक है। निश्चित तौर पर हमारी जो हिंदू सभ्यता है, जो भारत जो नाम रखा गया था भारत के नाम पर, एक विशाल जो भारत था जिसमें सारे देश जो अखंड भारत था, उसकी परिकल्पना आज हमारे देश ने की, देश के प्रधानमंत्री जी ने की है, और आज नहीं की, ये दशकों से इसकी मांग चलती आ रही है। हमारे साधु संत सभी इसकी मांग करते हैं, और हमारे देश की जनता ने भी इस बात का मांग रखी है कि इंडिया तो अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है, और 100-200 साल पहले अपभ्रंश के रूप में, जैसा कि अभी हमारे
हमारे भाई बता रहे थे कि रूप में हमारे सामने आया। मूलतः तो भारत ही इस देश का नाम था और इस देश में रचने और बसने वाले लोग। भारत की बात तो आप लोग की सरकार तो बीते 10 साल से केंद्र में है, 18 साल से मध्य प्रदेश में है, अन्य स्टेट में है, फिर पहले याद नहीं आया। हमेशा से मैंने कहा, दशकों से इस बात की मांग चल रही थी कि इंडिया वर्सेस भारत। तो वास्तव में हम सबकी मांग और हम सबकी इच्छा, मैं समझती हूँ मनोज जी आपकी भी यही इच्छा होगी कि इंडिया क्या नाम है। इंडिया अंग्रेजों के दिया हुआ नाम है। इंडियन वो अंग्रेज जो है वो इंडियंस को गाली देकर बात करते थे, वो एक गाली के रूप में उपयोग करते थे। भारत हमारे देश की विशालता को परिलक्षित करता है, विश्व गुरु के रूप में जाना जाता है भारत। तो निश्चित तौर पर हम आज जिस ओर बढ़ रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी ने जो आज जो परिलक्षित किया है, तो निश्चित तौर पर अब इनको दिक्कत है। मैं दोनों जो पॉइंट दीदी ने रखे हैं इनका उत्तर देना चाहूँगा कि इंडिया नाम 3300 BCE में जब दूसरे देश के लोग जब वो भ्रमण करते हुए उन्हें दिखा कि ये एक टापू, ये एक आइलैंड, ये एक देश है, ये हमें मिला है, तो इंडस रिवर के शोर्स पर, इंडस रिवर के किनारों पर रहने वाले लोगों को इंडियन कहा गया और उस जगह को कहा गया इंडिया। अब बाकी दुनिया हमें, हमारे देश को इंडिया नाम से जानती है। अब होता यह है कि जैसे मेरा नाम पीयूष है, आपका नाम मनोज जी है, ठीक है, आपको घर में आपकी माता, आपके घर के लोग हो सकता है किसी और से नाम से बुलाए, बट बाहर की दुनिया आपको तो मनोज जी ही कहेंगी, ठीक है। तो वही बात है कि भारत को, भारत के लोग जो भारत में रह रहे हैं वो भारत कहते हैं, क्योंकि वो उनके अंदर की चीज है, उनके अंदर की बात है, उन्हें पता है हमारा भारत, भारत का इंडिया कहेंगे क्या भारत का? अब बात ऐसी है माता जी कि भैया भारत जो है वो शुरू से है। इंडियन नाम जो है वो, जैसा आप मनोज जी का घर का नाम बता रहे हैं ना, वो नाम हो गया जो अंग्रेजों ने दे दिया। भारत भारत था, सनातन है और शाश्वत है। भारत पहले से था, उसकी खोज नहीं हुई है, भारत हमेशा से था। 9 साल आज केंद्र सरकार को 9 साल हो गए जब उनको ये भारत और इंडिया के बीच फर्क नहीं जगा। आज जब 27-28 गठबंधन भारत को बचाने के लिए, भारत के संविधान को बचाने के लिए एक हो रहे हैं, तो उनको भारत दिख रहा है आज, उसको इंडिया फर्क दिख रहा है। 9 साल में क्या काम करें केंद्र सरकार के, 9 साल में काम तो बताइए। आज कितने कैंप्स खोल दिए, कितने स्कूल खोल दिए, कितने लोगों को स्वास्थ्य दे दिया, कितने लोगों को शिक्षा दे दी। देखिए सब चीजें बताएंगे आप। पहली बात समझिए, इस देश में जब से हमारी सरकार आई, पहले हमने छोटे स्तर पर जिन स्थानों के नाम चाहे वह विदेशी आक्रांताओं ने रखे, चाहे अंग्रेजों ने रखे, उन चीजों को हटाने का काम किया। जितने भी हमारे आदिवासी नायक थे, जितने भी हमारे दलित नायक थे, जितने भी पिछड़े वर्ग के नायक थे, या फिर समाज के अन्य वर्गों से आने वाले लोग थे, मैं उस पर भी जवाब देता हूँ। इस देश का नाम या तो आर्यावर्त हो सकता है, जम्बूद्वीप हो सकता है, भारतवर्ष हो सकता है, हिंदुस्तान हो सकता है, लेकिन किसी भी कीमत पर इंडिया नहीं हो सकता है। हम अपने आप को कैसे देखना चाहते हैं यह कोई विदेशी सिद्ध नहीं करेगा, यह कांग्रेस पार्टी निर्धारित नहीं करेगी। हमारा आत्मगौरव, हमारा आत्मबोध क्या होगा? देखिए सर, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल हैं, और अगर आप उनकी कोई भी मीटिंग देखेंगे उसमें भारत माता की जय के नारे लगते हैं। तो आम आदमी पार्टी के लिए नाम मुद्दा नहीं है। और मैं भाई साहब जो अभी सुन तो लीजिए, अरे आपको इंडिया शब्द इंडस रिवर, अरे भाव है वो भारत में नहीं थे, भारत माता का भाव भारत में नहीं थे, इंडिया माता कौन बोलता है भारत? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इंडिया नाम इंडस रिवर से आया था, इंडस रिवर का पानी भारत में भी आता, पीना छोड़ दोगे क्या? पीना छोड़ देंगे क्या? पहली बात, आप सबको ज्ञान ठीक करने की आवश्यकता है। नदी का नाम सिंधु है, इंडस नहीं। इंडस हो सकता है कोई उसको जिसको सिंधु का उच्चारण करने में दिक्कत आती हो, वह इंडस। इस देश की जनता हमेशा से विफूल होते हुए आई है, इस जनता को गुमराह मत करिए नाम के नाम पे। अच्छा, बीजेपी कांग्रेस के अलावा के युवा, आप क्या सोचते हैं? अभी जो चर्चा चल रही है वो भारत हो गया अब इंडिया? सर, संविधान के आर्टिकल नंबर 1 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत, तो इंडिया ही भारत है और भारत ही इंडिया है। तो जो लिखा, जो आज भारत कर दिया प्रेसिडेंट ऑफ भारत, वो ठीक किया? संविधान के हिसाब से ही चलता है ना सर। जो भी संविधान में लिखा है उसी को मानना पड़ेगा। देखिए मनोज जी, मैं ऐसा क्यों कर रही है फिर बीजेपी, भारत क्यों लिख? अब ये उनकी आइडियोलॉजी है, वो कुछ भी कर सकती है।
आप किस आइडियोलॉजी के साथ? क्या आप लोग किस आइडियोलॉजी के साथ? सर हम अंबेडकर आइडियोलॉजी के साथ है, जो अंबेडकर विचारधारा के लिए काम करती है हम उसके साथ। मनोज जी अभी हमारे एक साथी ने कहा देश 2014 में नहीं बना, प्रधानमंत्री जी का आने के बाद नहीं बना, लेकिन देश सन 47 में भी नहीं बना। हो सकता है हमारा संविधान सन 50 में बनाओ, लेकिन भारत उससे भी हजारों वर्षों पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। हमारा संविधान 50 में बना, हमने इंडिया दैट इज भारत लिख दिया, लेकिन उससे पहले भी तुम्हारे भारत की पहचान थी। किस नाम से जाना जाता था? हमारे देशवासी किस नाम की सौगंध खाते थे? कौन सी भारत माता की? हमारा भारत क्या होता है? तुम्हारा मेरा भारत क्या होता? भारत एक होता है, हिंदुस्तान होता है, इंडिया होता है, भारत होता है। बोलोगे कहीं भी, कितना ही बोलोगे, हमारी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? अनेकता में एकता, भारत की विशेषता। और हम उसी विशेषता में, और अगर हम अंग्रेजी ऑल हेल इंडिया भी बोलते हैं, हम इंडिया हम रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे कांग्रेस के बच्चे ने, युवा ने कहा कि अनेकता में एकता हिंद की विशेषता और भारत की विशेषता, इंडिया की विशेषता नहीं कहते। देखिए इंडिया, इंडिया जो है, इंडिया अंग्रेज लोग जब इंडियन को देखते थे तो 100 करोड़ लोगों के भूखे देश को देखते थे। भारत को जब हम देखते थे गौरवशाली, वैभवशाली, समृद्धशाली भारत की अवधारणा है। जनता खड़ी थी, युवा खड़ा था, वो किसी पार्टी से नहीं था, मध्य प्रदेश का युवा था, वो खुद बोल गया संविधान बदलना चाहते हैं ये लोग। ये अगर संविधान से इन लोग को इतनी दिक्कत है कि ये आने वाले चुनाव के बाद संविधान बदल देंगे, इनका कुछ नहीं। भारत का नाम लिखने से संविधान बदल जाएगा? बिल्कुल। अरे इनको जिस चीज से दिक्कत है, इंडिया अलायंस जब से बना, इनको चुनाव में वो मुद्दा लाना था, इनके पास मुद्दे नहीं थे बोलने के लिए। जीतने के लिए जो करना पड़े ये वो कर देंगे। इनको चुनाव जीतने के लिए, चुनाव जीतने सब गठबंधन के लोग हैं, जो लोग भारत को तोड़ा, जिन्होंने भारत को तोड़ा, जिन्होंने सन 1947 में, आज वो भारत को जोड़ने की बात करते हैं। टुकड़े टुकड़े कौन करता है? आप नाम लीजिए। टुकड़े करने वाले हमारे एनएसयूआई का प्रभारी कन्हैया कुमार करता है टुकड़े। आप सुनिए, अगर आप ऐसा कह रहे हैं टुकड़े टुकड़े के, अरे सुनो बात, अब बात सुनी बात छोड़िए ना, अब तुमने बात छोड़ी है तो बात सुनो। अगर टुकड़े टुकड़े बोल रहा है कोई व्यक्ति तो जेल में डालो। आपकी चार्जशीट में क्या है? आपके आपके आपने चार्जशीट में कुछ फाइल नहीं है ऐसा। चार्जशीट में ना टुकड़े टुकड़े गैंग की बात करें, टुकड़े गैंग सभी तमाम देश विरोधी देशद्रोही जेल में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी को भी बख्शने का काम नहीं करेंगे। देखिए सबसे महत्वपूर्ण मेरा एक प्रश्न है अपने भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से कि इनको नाम से इतना दिक्कत है तो आज माइक में बोल दे कि आई हेट इंडिया। बोल दे आई हेट इंडिया, आई हेट इंडिया बोलो। देखिए अरे इनको पता नहीं है, ये राहुल गांधी कहते रहे हैं, राहुल गांधी संसद में क्या कहते हैं? इंडिया इज नॉट इंडिया, इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट। ये राहुल गांधी कहते हैं, सुन लीजिए राहुल गांधी कहते हैं इंडिया इज नॉट इंडिया, और हमने संविधान में जो लिखा वही माना, इंडिया दैट इज भारत एंड भारत दैट इज इंडिया। भारतीय जनता पार्टी ये मानती है। कांग्रेस बताए उत्तरम यत समुद्र से हिमाद्रश्य दक्षिणम वर्षम तदम भारतम नाम भारतीय यत्र संतति। तो ऐसे भारत को, ऐसे इंडिया को बदनाम करने का काम, उसको लूटने का काम कांग्रेस ने किया, और राहुल गांधी कह रहे हैं इंडिया इज नॉट इंडिया। महाभ्रष्ट, महापाखंडी, महाजवाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब दूसरे देश में जाके कहते हैं कि हम तो बहुत गलत जगह पैदा हो गए, आपने देखा है कि नहीं वो इंटरव्यू? आप इससे झुठला सकते हैं क्या? अरबों खरबों रुपए खर्च करके लोगों तक गलत खबर पहुंचाते हैं। और ये मुद्दा जो माता जी आप माता तुल्य है, ये मुद्दा ही आपका गलत है, ये ढकोसलेबाजी है। सुनिए मैं ये कहूंगा कि हमारे साथी ने अभी कहा, जगह बनाई। देखिए हमें समझने की आवश्यकता है, जब भी हमारे देश में इस प्रकार से उसकी मूल्यों को पुनर्स्थापित करने की बात आती है, इन तमाम लोगों को पीड़ा उठती है। नाम बदल कर क्या भारत की जो पुनर्स्थापना की बात? मनोज जी नाम नहीं बदल रहे, नाम शाश्वत है, भारत था, भारत है, भारत रहेगा। नाम हम नहीं बदल रहे, नाम तो अंग्रेजों ने बदला था। और ये सुनिए, अर्नब को मोदी जी द्वारा दिया गया इंटरव्यू है जो ट्विटर पे डाला है कि हिंदुइज्म को ये नहीं मानते हैं। हिंदुइज्म क्या है इनके लिए? हिंदुइज्म की हो रही है, भारत की हो रही है, इंडिया की हो रही है? बात एक ही हो रही है, इस देश की हो रही है, इस देश की विशेषताओं की हो रही है, भारत इस देश के बारे में बात है। लेकिन भारत के नाम से क्या कांग्रेस को ऐतराज है? कोई ऐतराज नहीं है, कोई ऐतराज नहीं है। ये चुल में क्या है कि ये लोग वंदे मातरम जनता बोलता है, भारत माता पहले जय पहले से बोलता है, सब कुछ तो बोले कराए। वंदे मातरम पर विरोध इनके नेता करते हैं, बोलते हैं कि वंदे मातरम का विरोध करेंगे। इस देश का राष्ट्रगान वंदे
मातरम मनाने की जब बात आई तो विरोध किसने किया? अल्पसंख्यक तुष्टिकरण के लिए विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया अथवा हमारा राष्ट्रगान वंदे मातरम स्वीकार करने में किसको आपत्ति थी? और आज ये साथ में खड़े हैं जो लोग कांग्रेस पार्टी के खिलाफ इतने वर्षों से झूठी पार्टी। आप ये बताओ, बताइए, मैं आम जनता बोल रहा हूँ, आम जनता की आप नहीं, आप नहीं, आप देख लो यार, ऐसा मत कहो, लांछन मत लो। आपने कभी देखा मुझे? ये झूठे हैं, जो मोदी के विरोध बोलेगा जैसा ये करना चाह रहा है। आपके नेता एंटोनियो मोनियो और राहुल बोलेंगे। जवाब दीजिए, माता कीजिए। हाँ बोलिए भैया, अपनी बात शिवम भाई, आप अपनी बात बोलिए। बीजेपी के हमारे एसओ भाई ने बोला कि आपको इंडिया शब्द से नफरत है, आपने वो बता भी दिया। अभी तक जितना चला यहाँ पे डिबेट आपने बोल दिया। आप आई हेट इंडिया एक बार बोल के दिखाइए लाइव कैमरे में। अंग्रेजों के लोग, ये अंग्रेजों के, इन लोगों ने याद होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन में साथ नहीं दिया था इनकी पार्टी ने। साथ ही इंडिया नाम से नफरत करने वाले ये लोग, आप बताए कि इंडियन रेलवेज और इंडियन एयर, मेरी बात सुनिए, इंडियन रेलवेज, क्या ये लोग इंडियन रेलवे से बैठना बंद कर देंगे? क्या इनके नेता इंडियन एयरलाइन से बैठना बंद कर देंगे? अभी क्या कहना चाहते हैं? जवाब दे, भारतीय रेल है आपको इंडिया इंडिया दिखता, भारतीय रेल है आपको यही नहीं पता है, आपको यही नहीं पता है कि भारतीय रेल है। आपके अजीज कुरैशी जी कहते हैं कि नर्मदा जी की और गंगा जी की आरती करते हैं, उनको शर्म आना चाहिए कांग्रेसियों को। बैठना बंद कर देंगे क्या? इंडिया अगर अंग्रेजों ने नाम दिया था तो रेलवे भी अंग्रेजों ने बनाया था, बैठना बंद कर देंगे। एक सेकंड, अंग्रेजों ने अपने बाप पर बात कीजिए, मुद्दे पर बात कीजिए, मुद्दे पर बात, मनोज जी मुद्दे पर। अंग्रेजों ने अपने बाप दादा रानी विक्टोरिया या एलिजाबेथ की कमाई से रेलवे नहीं बनाया, भारतीयों के मेहनत की वह सोने की चिड़िया जो थी उसको लूट करके रेलवे बनाया। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण, सुनो, ये आज हमको बोल रहे हैं अंग्रेजों का समर्थक, यूनियन जैक के नीचे जो लोग कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते थे, रानी के प्रति निष्ठा की कसमें खाते थे, उनको इंडिया में कहीं ना कहीं अपना तारतम्य नजर आएगा। भाजपा सिर्फ मुद्दों से भटकाती है। एक चौथी क्लास का बच्चा भी आज अगर कहेगा, भैया एक मिनट, भैया अगर आपको कहना है मैंने सेब खाया, मैंने एप्पल खाया, सेब और एप्पल एक बात है, ठीक है, संविधान में लिखा हुआ है कि भारत इज इक्वल टू इंडिया, भारत ही इंडिया है, मैं भारत का निवासी हूँ और मैं इंडिया का निवासी हूँ, बात एक ही होती है। मुद्दों से ध्यान मत भटकाइए, बेरोजगारी के मुद्दे से ध्यान भटकाएंगे। पढ़ाना भी बंद कर दीजिए, भारत में अंग्रेजी पढ़ाना भी बंद कर दीजिए, नहीं बंद कर दीजिए, इनका बस चले तो भारत का नाम ये अडानी बना दे, अडानी के नाम पे भारत का नाम बना दे ये लोग। सुनिए, अंग्रेजी को पढ़ाना बंद कर दीजिए, हमने किसी की बुराई को ग्रहण करने से मना नहीं किया, जो अच्छा है हम ग्रहण करेंगे, उसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी पहचान, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को खो देंगे। भारत एक हिंदी राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है और हम हिंदी भाषा। एक मिनट, थोड़ा बात, मैं ये कह रहा हूँ सीखो कमाओ योजना से आप क्या दे रहे हो? 2 महीने का रोजगार 2 महीने के लिए बेवकूफ बना रहे हो। बंटवारी का पेपर ईमानदारी से करवाते हैं, बात सही होती। सुनिए, ये वही प्रधानमंत्री जी जो 2014 में जीतने के बाद हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, 15 लाख देंगे। आज बताइए 9 साल में काम बता दीजिए, कितने लोगों को रोजगार दे दिया, कितने लोगों को शिक्षा हो रही है, कितने लोगों को 50 करोड़। देखिए, सबसे पहली चीज, सीखो कमाओ योजना ने युवाओं को पंख दिए कि वो हिस्काई की उड़ान कर सके। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, आज ये बात कर रहे हैं इन तमाम चीजों की, अगर देश में रोजगार रिपोर्ट इस देश को आज वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा तेजी से प्रगति कर रहे राष्ट्रों की श्रेणी में नहीं रखती। हमें सर्टिफिकेट वैश्विक संस्थाएं देती हैं, वह तमाम संस्थाएं देती हैं जो आर्थिक सर्वेक्षण करती हैं, जो किसी देश के विकास की विवेचना करती है। हमें
आम आदमी पार्टी के वह मेयर जिसका एक है दिल्ली में, उसकी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। आप बात करेंगे? किसानों में भारत इंडिया की बात हो रही है। आज इंडिया जो गठबंधन बना, आज भारत के प्रेसिडेंट ने कह दिया कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत इंडिया हटा दिया होना चाहिए। क्या बोलना है, क्वेश्चन क्या आपका? मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपना इंडिया हटाकर भारत लिख दिया, उचित है या नहीं? बहुत उचित है, बहुत उचित है। तालियां। भारत तो नाम है ना, भारत तो नाम है अपने देश का, उसमें गलत क्या है? आम जनता भारत है तो आज क्यों याद आई भारत की? भारत तो था पहले भी, भारत था कि नहीं था पहले? ये मुद्दों से भटकाने का काम सर इस बार कल को किसी वजह से। पार्टियों में जवाब देता हूँ, इंडिया इज जो इंडिया का नाम दिया गया ना, इंडिया एक्चुअली नाम इंडिया से नहीं अंग्रेजों ने दिया, तो उसको तो अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है भाई। स्टार्टअप इंडिया, खेलो इंडिया, जीतेगा इंडिया, इंडियन हॉकी टीम, इंडिया क्रिकेट टीम, इंडियन रेलवेज, इंडियन एयरपोर्ट, अब क्या क्या बदलेंगे आप? बदल दो आप, 4 से 6 महीने देखिए हर वह चीज बदल दी जाएगी जो हमारे उस पुरातन पराभव की निशानी होगी, जो हमें उपनिवेशवाद की वजह से अपने ऊपर थोपी हुई मिलेगी। हम उन तमाम चीजों को बदलेंगे और उन चीजों को स्थापित करेंगे जो हम वास्तव में है। हमारा देश कोई अंग्रेजों ने नहीं बनाया है, हमारे देश की बात करते हैं। अंग्रेज कब आए? 1600 में ना, सर्च कर लीजिए, हिस्ट्री पढ़ लीजिए, 3300 BC में जब इंडिया को मुक्ति पर उतर आए हैं, साइड हटा रहे हैं, कोई बोल नहीं पाए, इतना बौखला गई है भारतीय जनता पार्टी। कंट्रीज ने जब इंडिया को ढूंढा, जब इंडिया की सर्च हुई, तब इंडस रिवर, ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रेम है, उसका नाम चला गया जिसके झंडे के नीचे शपथ लेते थे। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, 2014 में भारत इंडिया पर बहस चल पड़ी है और ये बहस बहुत गर्माने वाली है, क्योंकि बात भारत के राष्ट्रपति ने आज लिख दिया है प्रेसिडेंट ऑफ भारत, और इसके बाद अमिताभ बच्चन, धोनी, तमाम तरह की चीजें, लेकिन भारत इंडिया को लेकर कभी मुर्दाबाद जिंदाबाद होंगे ये सोचा नहीं था। मुद्दा नहीं है, बहस गर्म है और जैसे जैसे मुद्दा और गर्माएगा इस पर बहस और गर्म होती रहेगी। मुझे और आशीष को दीजिए इजाजत।